दोस्तों स्वागत है आपको इस वीडियो में इस वीडियो में मैं माध्यमादिका बहुलक और रेंज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को सोल्व करके बताने वाला हूं दोस्तों ये प्रश्न जो है कहीं ना कहीं पूछा गया है और पूछने की संभावना भी रहता है ऐसे प्रश्न को ही पूछने की संभावना रहता है जिस तरह के प्रश्न मैं आज शामिल किया हूँ चलिए प्रश्न आपके सामने है देखिए बनाइए इसको है न कह रहा है कि मादिका क्या होगी माधिका माधिका ज्ञात कीजिए आपके सामने नज़र आ रहा है प्रश्न दिया गया है तेईस उनतीस पच्चीस उन्नीस इकतीस छब्बीस सोलह और तीस का माधिका ज्ञात करना है माधिका ज्ञात करने के लिए हम आपको बताए थे कि इस सीरीज को आप या तो बढ़ते क्रम में लिख दीजिए या तो आप घटते क्रम में लिख दीजिए बढ़ते क्रम में लिख दीजिए या तो आप घटते क्रम में लिख दीजिए तो चलिए घटते क्रम में लिखते हैं या तो बढ़ते क्रम में लिखिए सबसे छोटा कौन है चलिए बढ़ते क्रम में लिख दीजिए इसको पहले सबसे पहले बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटा इसमें है सोलह तो सोलह के बाद क्या है लिखना है सोलह के बाद है उन्नीस उन्नीस के बाद क्या है उन्नीस के बाद है तेईस तेईस के बाद क्या है तेईस के बाद छब्बीस छब्बीस के बाद छब्बीस के बाद तेईस के बाद पच्चीस है उसके बाद है छब्बीस पच्चीस छब्बीस उसके बाद उनतीस है ना ये बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं उनतीस के बाद तीस और तीस के बाद है दोस्तों यहाँ पर तीस के बाद इकतीस देखिए कितना अच्छा है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ हाँ तो बढ़ते क्रम में हमने इसको लिख दिया है बढ़ते क्रम में लिखने के बाद जो इसके मध्य में है वही माधिका हो जाएगा इसके मध्य में कौन है देखिए है ना आठ गो है तो तीन को इधर से निकाल लीजिए बाएँ से और तीन को इधर से दाएँ से बीच में दो गो बच जाएगा है ना यदि यहाँ पर बीसम संख्या रहता ये आठ गो है ई चलते बीच में दो गो आ रहा है यदि बीसम संख्या में रहता तो कोई एक आ जाता बीच में वही आंसर हो जाता लेकिन यहाँ पर बीच में दो संख्याएं आ रही है ठीक है बीच में दो संख्याएं आ रही है तो करना क्या है ये दोनों को ऐड कर देना है और दो से भाग दे देना है जो भी आंसर आएगा वही माध्यिका बन जाएगा ठीक है तो क्या आंसर आ रहा है छः पाँच ग्यारह चार एक पाँच इक्यावन बटा दो यानी साढ़े पच्चीस इसका आंसर आ रहा है है ना पच्चीस पॉइंट फाइव तो माधिका कितना हो जाएगा पच्चीस पॉइंट फाइव ये आपको बी ऑप्शन में नज़र आ रहा है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है हाँ पहली बार यदि वीडियो से जुड़े हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहले पहुँचे सबसे पहले है हाँ ना चलिए तो इसमें क्या है माधिका ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिख दीजिए है ना बढ़ते क्रम में इसको लिख दीजिए सबसे छोटा है ज़ीरो है यहाँ पर तो जीरो जीरो के बाद एक एक दो बार है ध्यान दीजिएगा दो बार है तो दो बार एक लिखेंगे दो के बाद तीन तीन भी दो बार है तीन भी दो बार है उसके बाद चार चार दो बार है दो बार लिख दिए चार के बाद क्या है दिखना है यहाँ पर चार के बाद सात है और उसके बाद आठ है गिनती कर लीजिए कि यह जो लिखे हैं नंबर सही है कि नहीं है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक छूट रहा है क्या छूट गया हाँ चार छूट गया चार यहाँ पर तीन गो है तो चार यहाँ पर तीन गो लिखेंगे दोस्तों ध्यान यही देना है आपको छूटना नहीं चाहिए नौ गो है तो इसमें भी नौ गो है ना एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस गो इसमें है तो दस गो इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस अब मिडिल में जो है वही आंसर हो जाएगा तो मिडिल में कौन है देखिएगा इधर से चार इधर से भी चार बीच में आ गया तीन और चार तो तीन प्लस चार बटा दो चार तीन सात बटा दो यानी साढ़े तीन इसका आंसर आ जाएगा देखिए तीन दशमलव पाँच किस में है ऑप्शन नंबर ए में है तो आंसर हो गया ए ठीक है इस तरह से माध्यिका ज्ञात होता है चलिए अगले प्रश्न की ओर है अगला प्रश्न में रेंज ज्ञात करना है देखिए अगला प्रश्न में क्या है रेंज ज्ञात करना है रेंज ध्यान दीजिएगा दोस्तों रेंज को परिसर भी कहा जाता है रेंज को क्या कहा जाता है परिसर रेंज को परिसर भी कहा जाता है ध्यान दीजिएगा तो रेंज कहे या परिसर कहे इसका नियम क्या है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था अगर पिछला वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो आप उसका प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं आर आर बी एन टी पी सी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल प्ले लिस्ट ही बना हुआ है मैथ का है ना उसमें जा कर के देख लीजिएगा क्योंकि उस वीडियो में मैंने माद मादिका बहुलक और रेंज ज्ञात करने का बहुत बेहतरीन तरीका आपको बता दिया है तो चलिए रेंज का होता है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी दोनों घटा दीजिए सबसे बड़ी कौन है इसमें सबसे अधिक कौन है सबसे अधिक इसमें इक्कीस है सबसे अधिक क्या है इक्कीस है सबसे छोटी कौन है ध्यान दीजिए सबसे छोटी इसमें एक है तो एक तो घटा दिए तो कितना आ गया कितना आ गया बीस तो इसका रेंज हो जाएगा बीस ऑप्शन नंबर सी देखिए कितना बार पूछा है एन टी पी सी एन टी पी सी एन टी पी सी वाह क्या बात है है ना बहुत बार पूछा गया है यह दो हज़ार सोलह वाले परीक्षा में तो रेंज भी काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए अगला प्रश्न अगला प्रश्न है बहुलक तथा माधिका ज्ञात करना है दोस्तों बहुलक तथा माधिका ज्ञात करना है आपको नंबर दिया गया है बहुलक बहुलक क्या होता है बहुलक बहुलक मैंने सबसे अधिक बार कौन आया है वही आंसर हो जाएगा बहुलक सबसे अधिक बार कौन आया है इसमें देख लीजिए सबसे अधिक बार कौन आया है तीन कितना बार आया है तीन 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 बार आया है तीन 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 ये तीन बार आया है है ना पाँच कितना बार आया देख लीजिए पाँच दो दो चार पाँच 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 ये चार बार आया है है ना छः दो बार आया है सात एक बार आया तो इस तरह से सबसे अधिक बार कौन आया है पाँच यह जो है अधिक बार आया है अधिक बार आया है इसीलिए बहुलक कितना हो जाएगा पाँच जो अधिक बार आएगा बहुलक हो जाएगा ठीक है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कह रहा है कि ये आंकड़ा दिया गया है और इसका माध है सोलह तो इसका आंकड़ा में जो भाट है वो भाट बराबर क्या होगा बीच में भाट कर दिया है देखिएगा ध्यान से कह रहा है अठारह सोलह बाईस तेरह भाट इसका माध्य दिया गया है माध्य दिया गया है सोलह देखिए कितना बार पूछा गया दोस्तों आप खुद देख सकते हैं स्क्रीन पर नज़र आ रहा है रेलवे 2016 में कितना बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है है ना आप खुद देख लीजिए तो चलिए माध्य बराबर फॉर्मूला लगाएंगे माध्य कुल योग कुल योग बटा कुल संख्या कुल संख्या कुल योग कर दीजिए अट्ठारह प्लस सोलह प्लस बाईस प्लस तेरह प्लस इसको एक्स कर देते हैं एक्स मान लेते हैं के वो है एक दो तीन चार पाँच तो पाँच अब माध बराबर इधर कितना दिया गया था सोलह तो इधर सोलह लिख देंगे माध बराबर इधर सोलह दिया गया था सोलह लिख दिए चलिए सोलह पच अस्सी अस्सी बराबर ये पूरा ऐड कर दीजिए पूरा ऐड कर दीजिए तीन दो पाँच छः छः पाँच ग्यारह और आठ उन्नीस के नौ एक दो एक तीन एक चार चार एक पाँच पाँच एक छः मतलब उनहत्तर प्लस एक उनहत्तर घट जाएगा अस्सी में से उनहत्तर घटेगा तो कितना आंसर आ जाएगा देखिए दस में से नौ गया एक ये हो गया सात में छः गया एक ग्यारह आ गया आंसर क्या आया ग्यारह देख लीजिए किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी में है तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा तो आज के इस वीडियो में मैंने पांच प्रश्न को ऐड किया था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था 2016 के परीक्षा में एनटीपीसी टी में एन में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों बहुत बार पूछा गया देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है है ना दोस्तों ऐसे ही पूछे गए प्रश्नों को यदि आप फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं जल्दी में ये एन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और दोस्तों में भी हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए चूंकि आप तो देख रहे हैं मैं यूट्यूब पर अभी नया हूँ और मैं लंबे समय तक यूट्यूब पर काम करता रहूँगा है ना तो चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा चैनल पे बने रहिए नए हैं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में